देखो बच्चों, डोमेन निकालना है। देखो पावर माइनस वन बाई टू है, पावर माइनस वन बाई टू का मतलब ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 होल रेस्ट टू दी पावर 1 बाय 2, एक ही बात है, है ना। क्योंकि देखो पावर माइनस 1 बाय 2 है, अपॉन में आके पावर 1 बाय 2 हो जाएगी, और पावर 1 बाय 2 का मतलब अंडर रूट। पावर 1 बाय 2 का मतलब क्या हो गया बोलो, अंडर रूट। तो पूरे का अंडर रूट हो गया। अब हमें देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए हमने, जिससे कि ऑप्शन को देख कर सवाल चेक कर पाए। देखो रूट के अंदर का टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए, है ना, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो चाहिए होगा रूट के अंदर का टर्म, इक्वल टू जीरो भी नहीं। देखो जैसे सबसे पहला टर्म है वन से इंफिनिटी, मतलब अगर हम एक्स को वन से बढ़ा लें तो देखो क्या होगा। देखो अगर एक्स वन से बड़ा होगा, देखो एक बात ध्यान देना, अगर वैल्यू वन से ज्यादा है तो पावर बढ़ने के साथ वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर एक्स से बड़ा होगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, एक्स फोर इससे बड़ा होगा, एक्स फाइव इस, है ना। अगर एक्स वन से बड़ा है तो पावर बढ़ने के साथ वैल्यू बढ़ेगी, और अगर एक्स वन से छोटा है, ध्यान देना, तो पावर बढ़ने के साथ वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैल्यू कम होगी, ध्यान देना, ठीक। मतलब बड़ी पावर तो वैल्यू छोटी होगी अगर एक्स वन से कम है, और अगर x 1 से बड़ा है तो बड़ी पावर की वैल्यू छोटी पावर की तुलना में ज्यादा होगी। देखो जैसे x 1 से बड़ा है तो इसका मतलब x की पावर 12 x की पावर 9 से बड़ा होगा, यानी कि x 12 माइनस x 9 पॉजिटिव होगा। और इसी प्रकार x की पावर 4 x की पावर 1 से बड़ा होगा, यानी x की पावर 4 माइनस x पॉजिटिव होगा, ध्यान दो। तो देखो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, वन तो पहले से पॉजिटिव है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 होगा, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। क्योंकि अगर x 1 से बड़ा है तो ये इससे बड़ा, ये पॉजिटिव, ये इससे बड़ा, ये पॉजिटिव, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, 1 तो पहले से पॉजिटिव है, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, है ना। अब देखो जैसे माइनस वन और वन के बीच एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है माइनस वन से कम वाला। तो मैंने कहा मान लो, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक्स, मान लो हमने कहा, मान लो हमारा एक्स जीरो वन के बीच में है, एक्स मान लो जीरो वन के बीच में, फॉर एग्जाम्पल। अगर देखो एक्स जीरो वन के बीच में है तो देखो अब क्या होगा, अगर एक्स जीरो वन के बीच में हो गया तो देखो पावर बढ़ने से वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखो जैसे इसको ऐसे लिखे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स 12। देखो अब अगर एक्स 0 1 के बीच में है तो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स 1 से कम है। और हाँ, एक्स अगर 0 1 के बीच में है तो एक्स की पावर 4 एक्स की 9 पावर 9 से बड़ा होगा, ध्यान दो। अगर एक्स 0 1 के बीच में है तो एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 9 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया। और हाँ, x 0 1 के बीच में है तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर x 0 1 के बीच में है तब भी ये पॉजिटिव होगा, यानी x 1 से बड़ा हो सकता है, x 0 1 के बीच भी हो सकता है। अब नेगेटिव को और चेक कर लें, जैसे मैंने कहा मान लो अगर x नेगेटिव है, नेगेटिव में कुछ भी है, देखो अगर x नेगेटिव है तो क्या हुआ, x की पावर 9 नेगेटिव हो गया, क्योंकि पावर ऑड नेगेटिव होगा, और x की पावर 1 भी नेगेटिव हो गया। तो क्या हुआ, देखो ये पॉजिटिव है, x की पावर 9 नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके आगे एक नेगेटिव और है, तो कुल मिला के पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया। देखो अगर x नेगेटिव है तो क्या होगा, x की पावर 12 इवन पावर है, इवन पावर वैल्यू पॉजिटिव, x की पावर 9 नेगेटिव है, लेकिन उस नेगेटिव के आगे एक नेगेटिव और है, तो कुल मिलाकर ये भी पॉजिटिव। x की पावर 4 इवन पावर है, पॉजिटिव। देखो x की पावर 1 नेगेटिव है, नेगेटिव के आगे एक नेगेटिव और, पूरा टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव, और प्लस 1 वैसे भी क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी x नेगेटिव पर भी ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ध्यान दो, है ना, क्योंकि हर एक टर्म पॉजिटिव है। यानी यहां पर अच्छा एक बात और ध्यान दो, अगर हम x को एग्जैक्टली 1 ले लें, एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 पर देखो क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1,
तो देखो क्या हुआ, एग्जैक्टली वन पर आंसर वन और ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब एक्स वन भी हो सकता है, एक्स जीरो वन के बीच भी हो सकता है, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स इक्वल टू जीरो को और चेक कर ले। अगर एक्स को जीरो रख देंगे तो ये सब जीरो, तो क्या बचेगा वन ग्रेटर देन जीरो, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ये टर्म पॉजिटिव हो गया। देखो हमने क्या बताया, इसको बिना ऑप्शन के सिंप्लीफाई कर पाना पॉसिबल नहीं था, बिना ऑप्शन के इस सवाल को चेक नहीं कर सकते, ध्यान देना, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन को लिख कर दिया है। नोट करो सब बच्चे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी।